Welcome. You are listening to Rag and Rhythm, a podcast that aims to take Indian classical music mainstream. I call it my classical to massical project. So come, join me on a melodious adventure featuring everything musical from classical rags to rock. Candid conversations with stalwarts of Indian music, laced with their beautiful life stories, rare musical gems, and of course, highlights of my own musical experience. Are you a music lover? Do you want to learn how to sing? Are you aspiring to become a superior performing artist? Or do you want to create magic behind the microphone? Then you are at the right place. So do listen, share, and subscribe to my podcast. The phenomenal playback singer is here with me on Rag and Rhythm, the one and only Anupama Deshpande ji. Born in Mumbai, Anupama ji was initiated into music by her father, late Sri Ramakant Kakini ji, at the age of 4. With goddess Saraswati's grace and a voice as sweet as a nightingale, she has sung more than 100 songs in 92 films, and that is incredible. Wow. In 1985, she won the coveted Filmfare Award for the Best Female Playback Singer for the folk-inspired song Sohni Chanab De Kinare from the movie Sohni Mahiwal. She has also received numerous accolades, including the Best Female Playback Singer from the Government of Maharashtra and Gujarat and the esteemed Uttam Kumar Award from the Governor of West Bengal. So without further delay, dear listeners, let us welcome Anupama Deshpande ji, a doyen of playback singing, on air. Anupama ji, a very, very warm welcome to you on my show, Rag and Rhythm. I'm your show host, Shanta Mishra. So batai, आज आप कैसे हो? शांता जी नमस्कार, और आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है आपसे मिलके, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू, आई एम सो ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड टू बी टॉकिंग टू समवन ऑफ योर रेप्यूटेशन एंड ऑफ योर कैलिबर, आई मस्ट से योर वर्सटैलिटी एज अ सिंगर। तो चलिए बात करते हैं अबाउट योर इनिशिएशन इन टू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक। आपने गाना किससे और कहाँ से शुरू किया? Who was your biggest inspiration? गाना तो मैंने बचपन से ही शुरू किया, मेरे डैडी से। बहुत छोटी थी तब से मुझे डैडी ने सिखाया। सबसे पहले गुरु मेरे डैडी हैं, बाद में धीरे धीरे मैं सीखती गई। और इंस्पिरेशन की बात आती है तो लता जी और आशा जी ही इंस्पिरेशन है मेरी। अनुपमा जी, इट्स सो इंटरेस्टिंग कि ये बात आपने बोला कि आपने आपके पूज्य पिताजी से सीखे हैं गाना, एंड आपके जो इंस्पिरेशन है वे भी अपने पिताजी से गाना सीखे थे, लाइक आशा जी एंड लता जी लर्न फ्रॉम देयर फादर। तो फिर आपने क्लासिकल म्यूजिक की तालीम ली फ्रॉम पंडित फिरोज दस्तूर एंड लेट उस्ताद फयाज अहमद, बोथ फ्रॉम किराना घराना, है ना? तो फिर अनुपमा जी, हमारे लिसनर्स को प्लीज बताएं कि हाउ लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक एक्चुअली हेल्प्ड यू ट्रांजिशन इनटू अ बेहतरीन प्लेबैक सिंगर। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि किराना घराना की एक खासियत है कि वो जैसी वॉइस है उसको डेवलप करते हैं, वॉइस क्वालिटी को चेंज नहीं करते। और दूसरी बात कि प्लेबैक सिंगिंग में एक सुरों का ठहराव होना चाहिए, जैसे सुर और लय जो जो भी है वो क्लासिकल से ही आपको मिलेगा। एक सुरों की तालीम जो होती है वो क्लासिकल से ही मिलेगा, आपको बहुत हेल्प करेगी प्लेबैक सिंगिंग में। Absolutely, absolutely. You're very, very right. You know, when I think about it, अगर आपका स्वर और ताल पक्का हो तो फिर you know उसमें आप अपने आप ही emotions आ जाते हैं। Emotions are a very important factor of playback singing. ये तो आप मानेंगे ही, क्योंकि you have to sing like the actors that are on the screen, है ना? मैं रिसर्च कर रही थी तो आपने कुछ 124 फिल्म सॉन्ग्स गाए हैं इन 92 इंडियन फिल्म्स। दैट्स लाइक इनक्रेडिबल, दैट्स अमेजिंग। मतलब कितने डायरेक्टर्स के लिए आपने गाए हैं, जैसे कि राजेश रोशन, बप्पी लहरी जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इलैया राजा, अनु मल्लिक एंड मेनी मोर। तो दिस ऑब्वियसली शोज योर वर्सटैलिटी एज अ सिंगर टू अडैप्ट टू ईच म्यूजिक डायरेक्टर्स नीड्स एंड द नीड्स ऑफ द मूवी। आप प्लीज बताइए कि आपका फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे एंड व्हाई? मेरे
फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन जी है। वाओ। और मुझे इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि उनके साथ काम करते वक्त कहीं टेंशन नहीं आता था, और वो इतने प्यार से एक फ्रेंडली सिखाना एक होता है ना, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट और ऐसे नहीं, मतलब सिखाते वक्त भी बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से सिखाते थे। थैंक यू। यू नो, वी हियर अबाउट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स, वी ऑब्वियसली ऑल्सो लिसन टू देयर वर्क इन डिफरेंट फिल्म्स, लेकिन उनका जो पर्सनल रैपोर्ट होता है अपने सिंगर्स के साथ, दैट मेक्स अ सॉन्ग। मेरे ख्याल से वो जो पर्सनल रिलेशनशिप एक हो जाता है आर्टिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, दैट कम्स अक्रॉस इन अ वेरी गुड सॉन्ग। एंड टॉकिंग अबाउट वेरी गुड सॉन्ग्स, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स of yours is the evergreen song, वो सैलाब से, of course you know I'm going to talk about it, हमको आजकल है इंतजार, जो रेडियो पे काफी बजाया जाता है, especially when we talk about माधुरी दीक्षित। तो I believe इस गाने के पीछे एक बड़ा interesting story छुपा है, please share that story with our listeners today। ये जो बप्पी दा ने मुझे, बप्पी लहरी ने मुझे जब गाने के लिए बुलाया, तब मैंने ये गाया था, ये आशा जी स्टाइल का था, तो डबिंग के लिए मुझे बुलाया। और जब ये गाना कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद जब माधुरी जी ने ये गाना सुना, तो उन्होंने बोला कि मुझे यही वॉइस चाहिए। वाह। और हाँ, तो यही वॉइस चाहिए कहा, इसके लिए ये गाना मुझे मिला, और ये मेरा सौभाग्य है मुझे बहुत। नहीं, आपका कैलिबर भी है, आपका वो बोलते हैं ना, when everything comes and falls in line, how can anything go wrong? This is very nice that all of these things lined up and itna acha aapko break mila. Now you have also sung duets with legends like Kishore Da. So how was working with such a great legend? I believe unhone insist kiya tha ki aap Kaash movie ke liye gana gaaye, to please bataiye how was it working with him? Ye Kaash film ka gana gaane main Mehboob studio gayi thi, aur unhone jab mujhe ek do mahine pehle hi mujhe Filmfare award mila tha, Kishore Da ko bhi mila tha, aur wo gana gaane ke liye main, matlab dubbing ke liye gayi thi main, शूटिंग के लिए जब एक गाना चाहिए होता है, तो जब मैंने गाना शुरू किया, तो किशोर दा ने, मतलब रिकॉर्डिंग शुरू हुई फाइनल, तो किशोर दा ने कहा कि ये लड़की, मतलब काफी साल पुरानी बात है, इसलिए उन्होंने कहा ये लड़की अगर गाएगी तो ही मैं ये गाना गाऊंगा। और महेश भट्ट जी, राजेश रोशन जी को बुलाया और कहा कि ये लड़की गाएगी तो ही मैं ये गाऊंगा, नहीं तो मैं ये गाना छोड़ के जा रहा हूँ। और उनकी वजह से मुझे ये गाना मिला किशोर दा ने, और उन्होंने मुझे एक्सप्रेशंस और ये काफी मुझे सीखने को मिला किशोर दा से, एक अनु करके बच्चों जैसे वो बहुत अच्छे से मुझे सिखाते थे, कहीं नर्वस नहीं करते थे, बहुत अच्छा, मुझे बहुत, मतलब उनकी याद बहुत आ रही। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। आई एम श्योर जब कोई इतने महान आर्टिस्ट, इतने बड़े आर्टिस्ट का गुड विशेस, गुडविल हो किसी के साथ, तो हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद दैट। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अनुपमा जी, आपको मैंने बताया था कि आई फाउंडेड अ म्यूजिक स्कूल टू प्रमोट एंड टीच हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, सो मैं काफी सारे बच्चों को और एडल्ट्स को इधर सिखाती हूँ, एंड इन फैक्ट आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ लिसनर्स टुडे पॉसिबली एस्पायरिंग टू बी बॉलीवुड सिंगर्स और प्लेबैक singers, not just for Bollywood but for other movie industries in India. आपका क्या advice है for my students as well as all our listeners listening in today? हाँ, एक तो क्या होता है कि आपको तो पता ही है गाना मतलब सुर और लय होता है। Yes. हाँ? Yes. तो एक क्लासिकल बेस चाहिए ही, लेकिन बहुत ज्यादा क्लासिकल करने से आपको एक प्लेबैक सिंगिंग के लिए वो जो एक वॉइस क्वालिटी चाहिए वो थोड़ी सी, हाँ वो थोड़ी सी हो जाती है, और प्लेबैक सिंगिंग के लिए डिक्शन, प्रोनंसिएशन की बहुत जरूरत होती है, एक्सप्रेशन चाहिए उसमें। और एक होता है कि समझ के गाना, जब एक कोई गाना होता है वो सिचुएशन क्या है, किस पे फिल्माया जा रहा है, ये सारा हमें एक प्लेबैक सिंगिंग के लिए ये बहुत जरूरी है। मुझे कभी कभी लगता है कि क्लासिकल सिंगिंग जो है 2-3 घंटे में लगता है, लेकिन हमें प्लेबैक सिंगिंग 3-4 मिनट में ये सब कुछ देना पड़ता है। 3-4 मिनट में हमें सब कुछ चाहिए, मतलब एक्सप्रेशन, सुर, लय,
प्रोनंसिएशन, ये सारा प्लेबैक सिंगिंग में ये बहुत जरूरी है। तो प्यारे लिसनर्स, आपने सुना कि एक तो स्वर और लय का तालीम होना चाहिए, दूसरा यू हैव टू हैव वेरी गुड डिक्शन यानी कि प्रोनंसिएशन करेक्ट होना चाहिए, एंड तीसरा इमोटिंग योर सॉन्ग, वो इमोशंस डालना है उसमें सही तरह से, तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस और रियाज चाहिए। एंड आपने सुना फ्रॉम अनुपमा देशपांडे जी हाउ टू बिकम अ बेहतरीन प्लेबैक सिंगर। यू ऑल्सो डू स्पेक्टेकुलर शोज लाइक बेमिसाल पंचम, भजन संध्या एंड मोर। मैंने ये पंचमदा के लिए, क्योंकि इंडिया में पंचमदा के काफी शोज होते हैं, मतलब सारे पंचमदा के ही गाने होते हैं, तो वैसे हमने शोज किए हैं। और भजन संध्या में भी मैंने, जैसे मैं साईं डिवोटी हूँ तो बहुत मुझे बहुत एक्सपीरियंस मतलब बहुत आया है। अच्छा। तो मैं भजन संध्या भी करती हूँ, साईं संध्या स्पेशली मैं करती हूँ, तो इसका एक अलग ही, भजन संध्या में एक अलग ही माहौल होता है। ये जो बेमिसाल पंचम, पंचमदा के मतलब फिल्मी शोज में अलग माहौल होता है। वंडरफुल। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी काफी साई भक्त हैं, तो हमारे घर में भी ये भजन संध्या होते थे पहले जब मैं छोटी थी। अब तो हम साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन दे आर बिग साई भक्त। ना अनुपमा जी, आप बताएं कि अगर आप आजकल कोविड के टाइम में इतने जूम सेशंस हो रहे हैं, तो आप जूम पे भी कॉन्सर्ट्स करते हैं? हाँ, जरूर करूंगी, मैं बहुत खुशी होगी। अभी तो आदत सी हो गई है, इन दिनों में मैंने एक आध शोज किए हैं। वंडरफुल टू नो दैट। फाइनली आई एम श्योर आवर लिसनर्स हैव बीन वेटिंग patiently to hear you sing. I know I have been waiting patiently to hear your madhur, melodious, amazing songs. तो क्या आप हमारे प्यारे listeners के लिए एक छोटा सा medley गाएंगे? हाँ, मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ, इसलिए कि आपको तो पता है जो फिल्मी सॉन्ग, अभी मेरे म्यूजिक ट्रैक तो है नहीं, मैं थोड़ा सा एक सुर पकड़ के मैं गाऊंगी, जो सुनने वाले लिसनर्स हैं उनको जैसे गुड मॉर्निंग या विश नहीं किया तो अभी मैं विश कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी मेरा एक जिस फिल्म को मुझे अवार्ड मिला था, वो फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी, और उसके बाद तुम मेरे हो फिल्म का टाइटल सॉन्ग मैंने गाया था, वो मैं थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी आपके लिए। बरसों पुराने हमें यार सोनिया, हमें यार सोनिया, बरसों पुराना है ये प्यार सोनिया, बरसों पुरानी हर बार मुलाकात नई ना, सोनी जनाब दे, सोनी जनाब दे। ये तुम मेरे हो का टाइटल सॉन्ग है। ओ यारा दिलदारा, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सदियों से मेरे, जब से देखा तुमको यारा, धड़कन बोली दिल पुकारा, बंधन सारे लाज शर्म के वार दिए हैं तुम्हारे कदम पे, तुमको चाहा हाँ मैंने चाहा, आज है पूछो अब कोई हमसे, एक मैं ही सजना
बोल रही ना तुमसे आज तो मेरा अंग अंग बोले रे कसम से जब से देखा तुमको यारा धड़कन बोली ने पुकारा धड़कन बोली ने पुकारा। वाह वाह वाह, आई एम स्पीचलेस अनुपमा जी। आपकी वही वॉइस क्वालिटी, वही वॉइस टेक्सचर, परफेक्ट पिच, that was simply incredible. What a melodious voice you have. So Anupama ji, thank you for joining us. Please do stay safe and well during these COVID times. We are so honored to have you today on my show Rag and Rhythm. Shanta ji, aapne mujhe bulaya aur mujhe bahut khushi hui, aur ye sare jo listeners hain unko main namaskar bolti hu, aur आप लोग सारे बहुत सेफ रहिए, कोविड से दूर रहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे बहुत एक अपना लगा। फर्स्ट टाइम मैं आपको देख रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत अपनापन, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। वेल फोक्स, यू आर लिसनिंग टू योर वेरी ओन शो होस्ट सुरीली शांता इन कॉन्वर्सेशन विद द प्लेबैक सिंगर अनुपमा देशपांडे। सो डियर लिसनर्स, if you have reached this far, then you are simply awesome because you took time out of your busy lives to listen to me. So a heartfelt thank you from your very own show host, Surili Shanta. I will be back again next week with another episode and another exciting musical adventure. If you liked this episode, please do subscribe to my podcast and share with your friends and family. Feel free to leave a comment. Thank you for listening and thank you for your time.